भाई अगर मैं गाड़ी के इधर आ जाऊँ ना यहाँ पे, तो वो होता है ना दोनों डोर्स के बीच में, मेरी वाली वीस तो उधर खड़ी है अपनी आर्टिका, उसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है भाई। इसमें भी इसमें देखिए क्या कलाकारी की, प्लीज इस तरह से ये अलग, तो काफी बढ़िया मतलब अलग ही कलाकारियाँ की गई है। आप यहाँ से केवल डिपर, अपर बीम, लोअर बीम ऑन कहाँ से करेंगे फिर? लेकिन 2010 से यही सब हमें देखने को मिल रहा है इस मॉडल में, जो ऑल फोर पावर विंडोज, ऑटो अप, ऑटो डाउन मिल रही है आपको, मतलब एक अलग। हेलो भाई, मैं हूँ अनी अंगवर। भाई आज अपने सामने है पोलो, फॉक्स वैगन की पोलो। ये लास्ट ईयर मॉडल आना बंद हो चुका है। इन लोगों में इसकी दीवानगी है ना यार, वो अलग ही लेवल पर है। बात है ना इस गाड़ी की यार, वो कहीं मिल ही नहीं सकती आपको यार। मतलब आप ये मान के चलिए, इस गाड़ी की हाइट नॉर्मली हमें, हाइट सॉरी कह रहा हूँ, लेंथ नॉर्मली क्या मिलती है, 3995 mm, 3990 mm, इसकी हमें 3971 mm मिलती है। लेकिन आपको ये छोटी नहीं लगती, क्यों भाई? इसकी हाइट ही नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए। और इसके जो क्वेश्चन है स्पोर्टी लुक, उस टाइम में सन 2010, मतलब आप ये मान के चलो 2010 में जब ये गाड़ी आई थी, कोई सोच सकता था इस तरह के हैंडल्स, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये देखिए इस तरह के हैंडल्स उस टाइम में सन 2010 में कोई सोच सकता था? और भाई सन 2010 से 2005 तक सेम स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं किए गए, और फिर भी बहुत जबरदस्त सेलिंग रही है कार की। अरे इंजन यार इसका, एक पावर 1500 सीसी डीजल इंजन है इस कार का जो मेरे सामने खड़ी हुई है। भाई जो दम है ना इस कार में, कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा आप। भाई यार पीछे अगर हम आते हैं ना, इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉयलर, एक रेगुलर एंटीना, भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप आपकी इसी में, रियर डिफॉगर हो गया, वॉशर यूनिट सब कुछ आपको यहीं, वाइपर भी मिल जाता है, बढ़िया एकदम। भाई यहाँ पर आपको पोलो की बैजिंग और ये TDI इसके जो इंजन का है उसकी बैजिंग हमें मिल जाती है। यहीं पर हमें ये फॉक्स वैगन की बैजिंग मिल जाती है। भाई अगर मैं गाड़ी के इधर आता हूँ ना, यहाँ पे ये डीजल वेरिएंट है भाई, ये राइट साइड में, इसमें डीजल डलने का भी मिल जाता था हमें, डीजल की भाई इसमें कैपेसिटी हमें 45 लीटर की मिल जाती है। भाई अगर मैं इसमें आता हूँ ना, इसकी की को देखते हैं सबसे पहले हम, जब इसकी कुछ इस तरह की हमें की देखने के लिए मिलती है। इसकी जो सेंट्रल लॉकिंग है ये एजेंसी से ही, मतलब इसमें कंपनी से ही मिली हुई है। इसको इस तरह से हम ओपन करते हैं। भाई आप पहले ये देखिए, आप कोई भी गाड़ी देखते हैं ना, यहाँ पर कट दिया हुआ होता है ना दोनों डोर्स के बीच में, मेरी वाली वीस तो उधर खड़ी है अपनी आर्टिका, उसमें भी इसी तरह से दिया हुआ है भाई। इसमें भी इसमें देखिए क्या कलाकारी की गई है। ये देखिए पूरा का पूरा, आप गेट खोलेंगे यहाँ से ये अलग सीन, और यही पीछे का भी, आप यहाँ से खोलिए इसे इस तरह से ये अलग, तो काफी बढ़िया मतलब अलग ही कलाकारियाँ की गई हैं इसमें। चलिए इसे ओपन करते हैं। भाई सबसे पहले डोर ट्रिम, आपको सबसे बढ़िया बात जो इसमें ऑल फोर पावर विंडो तो सब में मिलती हैं, आज भी मिलती हैं, लेकिन ऑल फोर पावर विंडो ऑटो डाउन ऑटो अप है भाई, ये कहीं नहीं मिलता। ये आपको साइड जो मिरर होते हैं अपने, उनको लॉक करने के लिए यहाँ से मिल जाता है। बाकी भाई अलग ही सीन है ये वाला, मतलब इसकी तो क्या ही बात की जाए। बाकी ये सेंट्रल लॉकिंग के लिए अपन को यहाँ मिल जाता है, और ये ORVMs के लिए, ORVM इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं, फोल्डेबल नहीं है अपने। भाई ये देखिए आप, मतलब आप बैठेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये जो बीच का एरिया, यही तो बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है आपकी, कि बिल्ड क्वालिटी कितनी बड़ी, मतलब कितना एरिया है। और भाई स्पोर्टी लुक होता क्या है, बाहर से निकल जाना इस तरह से, ऑलरेडी कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि इसे स्पोर्टी लुक दिया जाए, एक अलग ही लेवल पर काम किया गया था। अब तो ये लॉर्ड पोलो हम कह सकते हैं जा चुकी है भाई लास्ट ईयर। ऐसा नहीं है पोलो आनी बंद हो गई, ये वाला मॉडल बंद किया है, मतलब पोलो तो आएगी अभी भी। इसकी बात करते हैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की। भाई अपने भाई ये कौन देता है, लोग अलग से एक्सटेंड कराते हैं। आप ये देखिए 1 2 भाई इतना बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट, जबरदस्त। चलिए गाड़ी के अंदर आते हैं। और भाई डोर ट्रिम में यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिल जाता है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिलता है। अंदर जब भी आप आएंगे ना इस कार में, सबसे मेन चीज पहले की को लगाते हैं, स्टेयरिंग को सीधा करते हैं। भाई सबसे मेन जो पता है, ये गाड़ी जो लोग चलाते थे, नई नई आई थी, लोगों को स्टार्टिंग में आदत ही नहीं हुई थी। किस चीज की आदत नहीं हुई थी भाई? हम लोग नॉर्मल कार्स में क्या होता है, राइट हैंड पे अपना होता है हेलोजन लाइट्स को ऑन करने के लिए, हेडलाइट को। यहाँ पर भाई अपोजिट, ये आ गया वाइपर। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है आपको ऑन ऑफ, ये देखिए आप, इसको कोई ऑन ऑफ का स्विच दिख रहा है, कुछ नहीं है। आप यहाँ से केवल डिपर, अपर बीम, लोअर बीम। ऑन कहाँ से करेंगे फिर? भाई लाइट्स को ऑन हम यहाँ से करेंगे, आपकी फॉग लैंप हो, हेडलाइट हो, सबको ऑन यहाँ से किया जाएगा। भाई यहाँ पर अपन का हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। एसी बेंड्स अलग से आप मतलब मेंटेन कर सकते हैं चीजों को, अपनी स्पीड को, फैन को, ये सब चीजें उस टाइम सन 2010, भाई बहुत बड़ी बात थी उस समय आना इन चीजों का। मैं तो ये 15 मॉडल का है कार, लेकिन 2010 से यही सब हमें देखने को मिल रहा है इस मॉडल में, जो कि बहुत बढ़िया था, मतलब एक अल्टीमेट लेवल पे काम किया था। अब आप ये देख लीजिए इसके MID में, भाई जहां पर जब तक आपको इस तरह का ना दिखे ना,
सुइयां ना देखें तब तक मजा ही नहीं आता। स्पोर्टी लुक का मजा ही इसमें है। आप स्पोर्टी लुक देख लीजिए, यहाँ पर अपन का टैगोमीटर, यहाँ पर अपन क्या आ गया स्पीडोमीटर 240 स्पीड तक, भाई यहाँ पर ये एवरेज के लिए टेम्परेचर और ये टाइम काफी बढ़िया। बाकी यहाँ पर आप देखिए सेट भी कर सकते हैं, यहाँ से सारी ट्रिप्स को चेंज, यहाँ पर ऑटो को चेंज कर सकते हैं, इस तरह से कुछ इसका सीन रहता है। मिडिल में आते हैं अपन, तो मिड में देखते हैं भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से एसी है, मैनुअल एसी देख सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे फैन स्पीड के लिए, यहाँ पर ये मोड्स चेंज करने के लिए एसी के लिए और इनर सर्कुलेशन के लिए। यहीं पर नॉर्मल आपको एक म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये कार लेता क्यों व्यक्ति, स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी लुक मतलब चलाने को मजा आया। म्यूजिक सिस्टम फिर यहाँ पर मैटर नहीं करता है कितना बड़ा है क्या है, ये चीजें सब बात की बात है। भाई आप मिडिल कंसोल को देखेंगे ना, सामने के डैशबोर्ड को, मतलब एक सिंपल शोवर रखा गया है। ये सिंपल शोवर इसीलिए बढ़िया भी रहते हैं क्योंकि लंबे चलते हैं। अब भी ऐसा है ना, आप एक नया डैशबोर्ड लाए बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़े टाइम में जमाना आउट हो गया, एक्सपायर हो गई चीजें, अब दिख ही नहीं रही है। लेकिन भाई ये हमेशा एवरग्रीन वाली चीजें हैं, ऐसा डैशबोर्ड मिल जाता है ना, ये एवरग्रीन हमेशा चलते हैं ये फिर लंबे। लेकिन यही मैं बात करता हूँ इसके आईआर वीएम की, तो अपन को डे नाइट देखने के लिए मिल जाता है। भाई अपन ये स्टीयरिंग देखते हैं तो ये फ्लैट बॉटम यहाँ पर देखने के, सोच रहे हैं आप 2010 से फ्लैट बॉटम, ऑल फोर पावर विंडोज, ऑटो अप ऑटो डाउन मिल रही है आपको, मतलब एक अलग ही लेवल। भाई अगर आप इसके हैंडल्स देखेंगे साल्टर सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके रेट कुछ ज्यादा नहीं थे, आप ये मान के चलिए ये 8-10 लाख में गाड़ी मिल जाती थी बहुत आराम से, मतलब बहुत बढ़िया सेगमेंट चीजों का। भाई यहाँ पर आप देखेंगे रियर डिफॉगर के लिए, ये हो गया अपना टिकटॉक 1000 यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, काफी बढ़िया सीन है। भाई अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए टिकट होल्डर, और यहाँ पर अपन को वैनिटी मिरर बहुत बढ़िया, यहाँ पर ही अपन केबिन लाइट हो गई, काफी बढ़िया सीन है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसका गियरबॉक्स, आप गियरबॉक्स में एक बढ़िया चीज इसके देखेंगे, नॉर्मल 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन रिवर्स कैसा है भाई, रिवर्स ऐसा नहीं है लिवर उठाइए डालिए है, लेकिन आ गई। मैंने अभी MG Aster की वीडियो बनाई थी, वहां हम लोग क्या कर रहे थे, दबा के डाल रहे थे, सेम सीन है, हम क्लच प्रेस किया, ये प्रेस किया नीचे और ये गया रिवर्स। यहीं पे अगर मैं इसको बिना प्रेस करते डालता हूँ तो ये फर्स्ट गियर में आ जाता है, इस तरह से कुछ सीन रहता है। बाकी यहाँ पर भी कुछ प्लेस मिल जाता है हमें सामान रखने के लिए, बाकी कॉइन्स के लिए यहाँ पर प्लेस मिल जाता है। तो इस तरह से था कुछ इसका, बाकी ग्लव बॉक्स रह गया इसको भी देख लेते हैं, इस तरह से कुछ यहाँ पर ग्लव बॉक्स, बहुत स्पेशियस है भाई, अच्छा खासा स्पेस है इसके तो ग्लव बॉक्स में, बहुत बढ़िया, इसीलिए लोगों में दीवानगी भी थी इसकी। भाई असली दीवानगी तो इसी के लिए थी भाई, अलग ही लेवल पर काम हुआ था, मतलब एक लॉर्ड पोलो जो कहा जाता है ना इसे, दमदार। मैंने अभी चला के भी देखी दीवाई, मतलब मजा आ जाता है चीजों में। चलिए पीछे चलते हैं कार में। भाई जब पीछे आते हैं ना, वैसे भी आगे वाली सीट तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी थी, लेकिन आप हेडरेस्ट देखिए, दोनों एडजस्टेबल, पीछे दोनों एडजस्टेबल, देखिए कहीं मिलेंगी चीजें, नहीं मिलेंगी भाई। अंडर थाई सपोर्ट बेहतरीन भाई, पीछे का है ये, पीछे का आगे का इससे भी ज्यादा है भाई, ये सीन देख ली। बिल्ड क्वालिटी क्या कहा जाए भाई, एक स्पीकर, डोर ट्रिम इस तरह, ये पकड़ने का सीन अलग ही लेवल का सीन था भाई, ऑटो डाउन ऑटो अप चीज ही अलग है भाई। अंदर आते हैं जब हम इसमें बैठेंगे, लेग रूम भाई ठीक है, वैसे लेग रूम इतना अच्छा नहीं कह सकता, कल मैं बलिनो में बैठा था उसका ज्यादा बेटर लग रहा था, लेकिन इसका भी काफी बढ़िया है। बाकी बीच में कोई केबिन लाइट नहीं मिलती क्योंकि केबिन लाइट हमें आगे दे दी जाती है वहीं पर, तो पीछे नहीं दी गई है। बाकी बीच में कोई आर्मरेस्ट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस दिया गया है सामान को रखने के लिए आपको यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये जो सी पिलर पर ना आपको थोड़ा ग्लासी एरिया दिया गया है, ग्लास दिया गया है, ये काफी बढ़िया है। इसके होने से ना यहाँ पर थोड़ा सा आप ये मान के चलिए आपको अंदर थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा इन द सेंस मतलब लाइट आती है अच्छा, तो फिर थोड़ा सा क्या होता है खुला खुला सा पोर्शन रहता है जो कि पीछे बैठने वालों को सफोकेशन फील नहीं हो, तो इसलिए काफी बढ़िया लगता है। वैसे तो काफी बढ़िया रखा गई है चीजें इसमें, तो वो भी काफी बढ़िया लगती है। बाकी चलिए इसके बूट को ओपन करते हैं, बूट को भी देखते हैं एक बार। भाई अगर इसकी आप डिग्गी को ओपन करेंगे ना, एक तो आपको ऑप्शन मिल जाता है आप की के थ्रू, यहाँ इसको प्रेस करके रखिए ये ओपन हो जाती है यहाँ से। सेकंड भाई जब इसके गियर रिवर्स चल रहा है MG की तरह, तो ओपन भी MG की तरह ही होगी, ये सीन भाई प्यारा सा बढ़िया सीन है मतलब। और भाई बूट की भी क्या बात की जाए, मतलब एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है ना, तो उसी की तरह बिल्कुल प्रॉपर बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, बढ़िया बूट स्पेस भाई। देख रहा हूँ उस टाइम भी आपको यहाँ पर पूरा कवर करके दिया गया है, सन 2015 में भाई, आज के टाइम में लोग इसमें कटिंग करने लगे हैं और उस टाइम में ये कवर करके दिया है, कितनी बढ़िया चीज़ है। और ये देखिए हैंडल्स अब आने शुरू हुए हैं उसमें, उस टाइम से आ रहे हैं इस कार में, बहुत बढ़िया।
मतलब एक अलग ही लेवल का सीन था। बाकी मैं इसके इंजन की तो बात कर चुका हूँ, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है इसमें, काफ़ी बढ़िया सीन है, मतलब गाड़ी का एक अलग ही लेवल है इसका। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देखिए, कुछ खास ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं, लेकिन कभी आपको शिकायत नहीं आई। लोगों ने चलाया इसे, लेकिन लोगों ने कभी शिकायत नहीं करी कि गाड़ी नीचे से लग रही है। क्यों? लेंथ कम है फिर भी छोटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हाइट बहुत कम रखी गई है गाड़ी की। गाड़ी का वेट आप बिल्ड क्वालिटी इसी बात से अंदाजा लगाइए, इसका जो वेट है करीब 1100 किलो की गाड़ी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी एक बेहतरीन लेवल पर है कार की। भाई अगर मैं फ्रंट में इसकी बात करूं तो फ्रंट में आप देखिए, नॉर्मल आपको दो यूनिट मिल जाती हैं यहाँ पर, हाई बीम लो बीम, और सामने से कुछ इस तरह का इसका सीन रहता है। वहीं आपको फॉग लैंप और क्रोम भी देखने के लिए मिलता है इसमें। काफ़ी बढ़िया, मतलब लोगों की दीवानगी थी इस कार को लेके उस समय में, क्योंकि काफ़ी बढ़िया भी रहता था।